Hello friends, welcome back to my channel Random Videos with Nishi. और मैं हूँ Nishi. Friends, आप जानते हैं कि 2018 कुछ ही दिनों में आने वाला है और उसकी पार्टी के लिए हम सब होंगे रेडी. तो मैंने आज ये लुक क्रिएट की है. अगर आपको अच्छी लग रही है ये लुक तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना. नया साल आ रहा है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, दिल खोल के लाइक करना. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर. मैं यहाँ लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, जो एज अ प्राइमर बहुत अच्छा काम करता है. अगर आप चाहें तो अपना कोई भी फेवरेट प्राइमर यूज कर सकते हैं. अब गार्नियर बीबी क्रीम ले रही हूँ. इसे मैं पूरे फेस पे डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करूंगी और नेक भी कवर कर लूंगी. अब बफिंग ब्रश लेकर इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. इसे लिप्स पे भी अप्लाई कर लूंगी. अब यूज कर रही हूं कंसीलर. अगेन सेम बफिंग ब्रश यूज करके इसे ब्लेंड कर लूंगी. जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ इन सब का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अब प्रेस पाउडर यूज करके अच्छे से अपने सारे बेस को सेट कर लूंगी, ताकि हमारा ये जो बेस है बिल्कुल भी क्रीज ना करे. आई मेकअप के लिए पहले एक ब्राउन आई शेडो ले ले और उसे क्रीज एरिया पे अप्लाई कर ले. आप देखेंगे कि आपका कलर बिल्डअप हो रहा है. जैसे ही ये बिल्डअप हो जाएगा हम यूज करेंगे एक काजल. काजल को आपको आईलिड एरिया पे अप्लाई करना है, और ज्यादा नीट होने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें इसे ब्लेंड कर देना है. इस तरह से अप्लाई करके फिंगर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूं, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे. एक बार दोबारा मैं काजल का यूज कर रही हूँ ताकि कलर अच्छे से आ जाए. अगेन फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ. एक बार दोबारा ब्राउन आई शेडो लेकर इसे दोबारा से क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ. अब एक ब्लैक आई शेडो लेकर उसे डैबिंग मोशन में अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ.
इसे ही अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब यूज कर रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। एंड अगेन जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। एंड जैसे आप मस्कारा अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे, देखिए कितना चेंज आ रहा है। तो मैंने दोनों आईज में मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब मैं आईब्रोज को शेप करूंगी, जो भी गैप है इसे फिल करूंगी और देन उसे सेट कर लूंगी। नाउ इट्स द टाइम फॉर ब्लश। अब कोई भी फेवरेट लिप कलर अप्लाई कर ले। इसके बाद एक ब्रश के हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अब सेम हाइलाइटर को अपनी आईज के कॉर्नर में अप्लाई करूंगी, जिससे हमारी आईज और ओपन हो जाएंगी और प्रिटी लगेंगी। तो यार फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, दिल खोल के लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं। शेयर भी कर सकते हैं आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बाय।